सो हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर थर्ड वीडियो इन आवर गाइडेंस सीरीज, जिसमें आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मुकेश कालिया जी। जो हमने पिछली वीडियो करी थी एडवोकेट मधु कालिया जी, ये उनके भाई हैं। इनका एनरोलमेंट 1986 से इनका एनरोलमेंट है। ये क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइज्ड हैं एंड इनका अगेन जैसे पिछली वीडियो में रहा है, इनका भी एक्सपीरियंस मेरी एज से ज़्यादा है। एंड आज ये हमें बताएंगे कि एक क्रिमिनल लॉ डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, हर वे में कैसा रहता है और तब से लेके आज तक उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। आपकी वीसीज और सब चल रही होती है, उसमें से भी आपने टाइम निकाला, थैंक्स अ लॉट सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कॉमनली हर उसमें रहता है कि आप लॉ में आए कैसे, आर यू द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट लॉयर, या पीछे से कोई इंटरेस्ट रहा है, कुछ रहा है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट और यूनिक रहा इस फील्ड को ज्वाइन करने का। डेस्टिनी कहें या आप कहें इन डिफॉल्ट, तो मैं एक खिलाड़ी था यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल का। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे पास ऑप्शन थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की और कोई भी एडवांस कोर्स करने की। तो उस समय मैंने असेस किया कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ तो वो 2 ईयर कोर्स है और लॉ 3 ईयर कोर्स है, तो आई विल बी गेटिंग 1 ईयर एक्स्ट्रा टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी। ओके, दैट वाज द चार्म। सो कीपिंग इन माइंड, उसको ध्यान में रखते हुए आई ऑप्टेड टू ज्वाइन लॉ। और जहाँ तक फर्स्ट जनरेशन की बात है, जो सिस्टर मेरी हैं वो सिर्फ मेरे से 1 साल आगे थी, तो एज सच एज कि मुझे वकील बनना है तो ऐसी कोई जहन में उस समय बात नहीं थी। अच्छा, तो आप कौन से स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करा करते थे? मैं बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ओके, दोनों में मैं स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता रहा। काफ़ी साल मैंने नेशनल्स रिप्रेजेंट किया और यूनिवर्सिटी कैप्टन था मैं हैंडबॉल का भी और बास्केटबॉल का, दोनों का। ओके, प्लस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कैंपस लॉ सेंटर। अरे नहीं सर, ये स्पोर्ट्स में भी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आई। तो सर हमारा सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा कि सिंस 1986 अप टिल नाउ आपने काफ़ी सारे चेंजेस देखे होंगे क्रिमिनल लॉ में भी और वैसे इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो, तो क्या क्या डिफिकल्टीज रही या क्या क्या कह सकते हैं कि जो अभी बेटर है पहले नहीं था, या जो चीज़ पहले बेटर है अपने संगे? देखिए, समय के हिसाब से जो बदलाव होते हैं उसको तो आपको स्वीकार करते हुए जाना है। तो जैसे समय बदला, नंबर ऑफ केसेस पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों में अवेयरनेस, जो एक लिमिटेड स्फीयर में पहले प्रैक्टिस करते थे। जैसे मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए बोलूँ तो मैंने शुरू से अपने आप को कन्फाइन किया क्रिमिनल फील्ड में, जो अपने आप में भी बहुत वास्ट है, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। तो एक छोटे से सब्जेक्ट में उसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, तो मैंने अपने आप को कन्फाइन किया उस सब्जेक्ट के ऊपर और मैं उसके बियॉन्ड आज भी नहीं जा पाया हूँ। तो आप ऐसा समझिए कि उस समय नंबर ऑफ जजेस कम होते थे, नंबर ऑफ एक्ट्स भी कम होते थे, अवेयरनेस भी कम होती थी, तो जो लिटिगेशन जो थी वो कम थी अगर उसको कंपेयर करें आज की स्थिति में। तो हर एक चीज़ बेहतरी के लिए कोशिश की जाती है, चाहे वो प्रयास सरकार की तरफ से हो, चाहे वो कोर्ट्स की तरफ से हो, जुडिशरी की तरफ से हो, चाहे उसमें हम सब पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर आपका मतलब क्रिमिनल की तरफ कैसे इंटरेस्ट आया? पहले से ही प्लान था, लॉ करते हुए इंटरेस्ट आया, मतलब लॉ तो आपने अभी जैसे? ये भी बड़ी एक अजीब कहानी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ट्रायल था कस्टम इंस्पेक्टर के लिए स्पोर्ट्स बेसिस पर। ओके, अनफॉर्चुनेटली एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे चोट लग गई और मुझे 3 मंथ्स का रेस्ट बोला। तो मैंने सोचा कि चलिए 3 महीने हैं, कोर्ट में जाके देखा जाए। तो वहाँ कोर्ट में जाने के बाद सिस्टर के अलावा और भी कुछ लोग जो उनके कॉलीग थे, तो उन्होंने मुझे एक बिल में ट्रायल करने के लिए दिया जो मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा क्या बोलना है, उन्होंने बोला आपको सिर्फ ये बोलना है आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस। तो उसको रट्टा मार के हम चले गए, जज साहब के पास गए। वो एक थेफ्ट का केस था जो मुझे बाद में पता चला। जज साहब ने बोला वकील साहब बोलिए, मैंने कहा कि आई एम फॉल्सली इम्प्लिकेटेड दिस केस। जज ने कहा ऑल राइट। उसके बाद जज साहब ने बोला डिसमिस। तो हमने सर झुकाया और आ गए।
हमने कहा तो बहुत आसान है, तो हम जब आए तो सबने बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने अपनी कहानी बताई। और ये भी मैं शायद जीवन में पहली बारी था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मैन था, मैंने जीन्स और एक एंकल शूज़ पहने हुए थे और लाल टी शर्ट पहनी हुई थी, तो इतना प्रोटोकॉल का मालूम नहीं था। उसी के ऊपर कोट चढ़ा के और उसको ऐसे सकोड़ के हम पहुंच गए जज साहब के सामने, और वो शानदार ऑर्डर लेकर आए जो जीवन का पहला ऑर्डर था। तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बना। अच्छा, वहाँ से इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ क्रिमिनल में? वहाँ से इंटरेस्ट बनना शुरू। तो उसके बाद मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस आपने मतलब डील करे या आज भी करते हैं? मेन अगर केसेस तो देखिए ऐसा तो बताना बड़ा मुश्किल है, अगर मैं बताऊँ मैंने ये केस भी किया ये भी केस किया तो अच्छी बात नहीं है। तो हाईलाइटेड केसेस हैं, बहुत हैं, मीडिया हाइप भी केसेस हैं, लेकिन उसके बेसिस पे मैं अपनी पब्लिसिटी करूँ वो ठीक है। चलिए वो तो सर जी, वो तो चलिए। तो सर सिंस आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे यंग एडवोकेट्स, अब तो एडवोकेसी में लिटरली बहुत लोग आने लग गए हैं, पहले शायद इतने नहीं होते होंगे। सो लिटिगेशन और स्पेशली क्रिमिनल लॉ को लेके आपका कोई एडवाइस जो बच्चों को जो अभी लिटिगेशन में एंटर हो रहे हैं उन्हें या जो लॉ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें दिमाग में रखना चाहिए? एक बात मैं जो शेयर करना चाहता हूँ उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए, जो मेरे सीनियर लेट श्री बाबा गुरचरण सिंह जी, वो उनको क्रिमिनल लॉ में अथॉरिटी मानते थे, जिनसे मैंने प्रयास किया सीखने का, मिस्टर जी एस बाबा गुरचरण सिंह जी। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि 5 साल की प्रैक्टिस के बाद उनको पहला केस आया था। तो सुनने में तो अब तो खैर अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है, उस समय थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है कि एक वो शख्स जिसको 5 साल के बाद पहला केस आया है और वो कुछ अरसे में पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम, तो एक बहुत बड़ी बात थी जो मैंने अपने जहन में डाली कि आपको मेहनत करते रहना है। क्रिमिनल लॉ में जब भी आप लिटिगेशन में आएंगे दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात, एक वो जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट है परिवार से, क्योंकि आप 12th में 12 साल लगाते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं 5 साल और 5 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं, 22-23 साल के बाद भी अगर आप, जब लोग कहते हैं मैं वकील बन गया तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो लाखों रुपए घर पे आने लग जाएंगे, और अपने आप से भी उम्मीदें होती हैं जो इतना मेहनत करके प्रोफेशन में आता है कि आई स्टार्ट अर्निंग नाउ, लेकिन ये हर एक के लिए संभव नहीं होता है। वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, इनिशियल मिनिमम 3 to 5 years जब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। अब बेहतर लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कराते हैं हमारे समय में भी, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो अभी भी 1 महीने या 2 महीने का होता है, लैक होता है। तो और वो भी बेसिक और एलिमेंट्री होता है। आप किसी फील्ड में लॉ के कोर्स के बेसिस पे ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप स्पेशलिस्ट हैं किसी भी एक फील्ड में, तो वो एक टफ टाइम होता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो एक बहुत ऐसी बात है जो कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके ऊपर और वर्कआउट किया जाना चाहिए कि यंगस्टर्स को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं वो तो ठीक हैं, जो छोटे ऑफिसेज हैं वो उनकी स्ट्रेंथ 2 से 10 के बीच में होती है, वो भी इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी होती है कि हम सिखा रहे हैं तो हम क्यों दें, या और भी बात है, तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिलेक्टेंट। और तो एक समस्या जो फाइनेंस की है कैसे, और एक गिल्ट फीलिंग भी आती है कि 23 साल हो गए मैं अभी कमा ले रहा हूँ, मैं आई एम स्टिल डिपेंडेंट अपॉन माई पेरेंट्स या ऑन एनी अदर, सो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसको तो आदमी को अपने आप जो इस प्रोफेशन में आ रहा है वो जहन में रख के तभी उसको प्रोफेशन में आने के सोचना चाहिए कि लॉ करने के बाद भी आने वाला कुछ समय 3 से 5 साल डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर वो पूरी डेडिकेशन से भी काम करें। तो एक बात ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या आप इस पोजिशन में हैं, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं है। थोड़ा सा एज उस बच्चे का ज़रूर होता है जो फाइनेंशियल जिसको सपोर्ट रहती है किसी भी सोर्स से। ओके, एंड सर लास्टली एक छोटा सा वर्ड ऑफ विजडम जो आप यंगस्टर्स को रखे कि अगर आप फील्ड में तो दे कैन स्टे मोटिवेटेड। देखिए हालात बदलते हुए हालात के हिसाब से, कोरोना टाइम में 2 साल जिसने लॉ 2019 या 20 में किया है या अब करने वाला है, और आने वाला समय भी बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, जहाँ प्रैक्टिकली 2 साल से
कोर्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रायल मतलब एविडेंस, तो देयर इज नो एविडेंस, सिर्फ जो भी अर्जेंसी वाले केसेस हैं वो कोर्ट वही डील कर रही थी, अभी तक आने वाले समय का मुझे मालूम नहीं है। तो जो वैल्यूएबल 1.5 साल सबका वेस्ट हुआ है, वो ये मान के चलें ये सारे संसार का हुआ है, उससे डिस्करेज ना हो, ये 1.5-2 साल आप माइनस कर दें, ये सबका हुआ है, उससे लो फील ना करें। और आप सोचें कि आज आपने आज से प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, वो 2 साल का समय आप उसको एक्सक्लूड करते हैं, तो बिना घबराहट के और ये मानते हुए कि आपने, सभी को समय लग रहा है, सिर्फ कुछ लोग ऐसे जो आगे कर पा रहे हैं या जो अच्छी कंपनी में एक उनको पैकेट मिल गया है, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अपना हौसला बनाए रखें, मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें। और क्रिमिनल लॉ में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो एक खास तौर से जो मैं आज भी करता हूँ, आप प्रो बोनो केसेस मत छोड़िए, आप ईमानदारी से काम कीजिए, जिसको जिसके आप मदद कर सकते हैं आप मदद करें उसकी, केसेस पकड़ें, उसकी हेल्प करें। एक जो मैं अपने सारे परिवार को, क्योंकि हमारे ऑफिस में जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी हमारे साथ एसोसिएट बाद में या फ्रेशर जुड़ते हैं, मैं उनको अपना परिवार समझता हूँ। आप या मैं, कोई भी, हर एक उस श्रेणी में आते हैं, हम रोज़ एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब सीख गया हूँ, मैंने आई पुट इन 35 ईयर्स, लेकिन एवरी डे आई एम लर्निंग। तो आप इस बात का विचार ना करें कि अगर आप 1 साल वकालत में आ गए हैं तो आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं। अगर आप एक 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 सब्जेक्ट पे, एक सेक्शन पे भी अगर आप केसेस कर रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति आती है जब आपको किसी की मदद की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उससे विचार ना करें, वो आप शेयर करें अपने सीनियर कोलिग्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है जो एसोसिएट होते हैं जिन्होंने कम समय लगाया होता है, आप उनसे भी सीखते हैं, उनसे भी हल निकालते हैं, तो आप संकोच ना करें। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे उसने 35 ईयर्स पुटिंग किया हो, चाहे 70 ईयर्स, 70 तो खैर ज़्यादा हो गया, खैर वैसे हैं ऐसे कुछ एग्जांपल भी, तो आप सीख सकते हैं हर एक से। तो दिस इज़ माय वर्ड ऑफ एडवाइस, बिल्कुल घबराए नहीं, मेहनत से काम करें, ऐसा ना सोचें कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, समय लगेगा, समय के साथ आएगा। और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, तो यू कैन स्विच एनी टाइम टू एनी फील्ड, एनी सब्जेक्ट। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग सच इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज जनरली सर की एक तरफ PC भी चल रही है, तो सर को थोड़ा जल्दी हमें फ्री भी करना पड़ेगा। ही इज देयर थ्रू द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉल। आपने मुझे बिजी दिखा के मेरा सम्मान किया। अरे सर, आपका बल्कि आपने अपना टाइम देकर हमारा सम्मान किया। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसी और भी कई गाइडेंस वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।